वाणी स्वामी जी महाराज वचन पंद्रवा शब्द पांचवा मित्र तेरा कोई नहीं संगी अन में पड़ा क्यों सोवे इन ठगी अन मित्र तेरा कोई नहीं संगियान में पड़ा क्यों सोवे इन ठगियान में। ए बाणी स्वामी जी महाराज दिए हजूर स्वामी जी महाराज दुनिया की हालत दस रहे है कि भाई देख दुनिया ते कोई तेरा मित्र है। मित्र तो साड़ा शरीर भी साड़ा मित्र नहीं है, साड़े इंद्रे साड़े मित्र नहीं, साड़े कान साड़े मित्र नहीं, अखा मित्र नहीं। अच्छी साड़े अंदर सोच समझ आ जाए ता कि असी 84 दे चक्कर तो बच जाइए, असी उस जेल खाने तो बच जाइए। भाई सोचिया जावे ना साडे अंदर मित्र जे ते ना बाहर मित्र जे, ये पूरी सोच दे नाल पता लगता है। और है भी कोई नहीं, कौन किसी नूं कहिंदा कि तू परमार्थ कमा भजन कर। कोई सज्जन मित्र किसी नूं कहिंदा है भजन वालों नहीं कहेगा, अपने स्वार्थ वास्ते सब कुछ कहेंगे। जदों स्वार्थ किसी का हुंदा रहेगा वो सज्जन बनया रहिंदा, जदों नहीं होएगा वो दुश्मन बन जाता है। इस वास्ते स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे है कि मित्र तेरा कोई नहीं इन संगियान में। क्यों तू इन्हां दे विच बैठा है, इन्हां चों किनारा कश कर, थोड़ा जिहा अपने आप नूं कुसका, थोड़ा जिहा लांबा जिहा करके ते ईश्वर की भगती कर ले, रह भी विच और भगती भी कर ले। सहजो भाई ने बाणी च फरमाया है कि किस तरह असी संसार च रहना, रहना भी संसार विच है और असी अपना काम भी करना है। जिस तरह साढ़े मुख च जबान रहिंदी है, जीभ रहिंदी है, जदों असी खाना खाते हैं वो जीभ साड़ी सारे खाने नूं वल के दंदा थले लियाउंदी है, लेकिन आप नहीं आउंदी, आप बड़ी चुस्त चलाक फौरन पासे ते हो जाएगी। और जदों खाना बरीक हो जाता है वह जैका स्वाद वो जीव लै जाती। इस तरह गुरु साहब जी फरमाते हैं, सहजो भाई ने फरमाया कि जगत बिच भी रहना और असी अपना काम भी करना है, इन्हां दे दंदा दे थले भी नहीं आना। अगर इन्हां दे दंदां दे थले आए तो पीते गए, फिर बस कदम मुक गया। बौर बौर तो भगत कमाए, ऐसे अपने ख्याल बनाने हैं कि असी भगती भी करनी है, रहना भी बिच है, जाना भी किते नहीं। हाँ जी, मित्र तेरा कोई नहीं संगियान में पड़ा क्यों सोवे इन ठगियान में। चेत कर प्रीत करो सतसंग में, गुरु फिर रंग दे नाम या रंग में। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है चेता कर और प्रीति कर सतसंग में। जदों साड़ा प्यार सतसंग दे नाल हो जाएगा, सतगुर साड़े ते बहुत दया करनगे, बड़ी साड़े ते कृपा करनगे और सानू
नाम दे रंग विच रंग देंगे, सिर्फ रंग नहीं देंगे सानू अपने घर पजा देंगे। अगे भी कई बार दसिया है कि हजूर कई बार फरमाते होंगे कि रंग रेत जड़ा ये सिर्फ कपड़े नू रंग नहीं देंदा, रंग दे के सका के प्रेस करके ये लंबारी च रख लैंदा। इस तरह जदों असी प्रीति करांगे सत्संग दे नाल, सतगुर सानू नाम देगा, नाम जपा के सानू अपने घर लै जाएगा। हाँ जी, चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम या रंग में, तन संपत तेरे काम ना आवे, छोड़ चलो ये छिन में। संतां नूं सारा पता है कि साढ़े साथ की जांदा है, जिहदे पिछे असी सारी जिंदगी बर्बाद कर देने आ, वो असी एक सकेंट नहीं लगता इत्थे छड़ के चला जाने आ। कारू पातशाह ने 40 गंज माया इकट्ठी कीती, कबरां पटा के भी उसने माया कठी कर ली। तो फकीर बड़े तरीके नाल समझाउंदे है, एक फकीर ने उन्हें एक सुई दिती कि पातशाह जदों तू दरगाह विच आएगा ये मेरी मानत रख लै, ये उस वक्त तू लियानी है, मैं उत्थे ले लवांगा तेरे पास। अपने राजमहलों में आके अपनी बेगम ने सुई दिती कि सुई मेरी रख, जदों मैं दुनिया तो जावांगा सुई देनी मैनू, मैं एक फकीर की मानत है उन्हें देनी। बेगम ने कहा पातशाह तू भोला हो गया, तेरा शरीर जाना है, तू किस तरह सुई लेगा, तू तो कुछ भी नहीं लै सकता, कुछ भी नहीं तेरे साथ जाता है, ना तू लै सकता है, ये सब कुछ इत्थे रहना, जा वापस दे आ सुई। बाणी जी भी लिखिया मानत पराई ना रखिए दिते ही सुख होए, ये पराई मानत रखनी नहीं चाहिए। सुई देन गया, फकीर ने कहा एक मासा सुई है, इन्नी माया तुसी कठी कीती है, ये भी तो तुसी लियानी है ना पातशाह, तो नाल ही मेरी सुई लियावे। उसले पातशाह नूं होश आ गई, सोची पै गया, कहिंदा जी फिर जे मैं सुई नहीं लिया सकदा तो माया भी किस तरह लियानी, मैं तो कुछ भी नहीं लिया सकता, तो जे नहीं लिया सकता फिर क्यों गरीबां दे खून खा रहे हैं, नचोड़ रहे हैं, लटा दे। उस वेले कारू पातशाह ने माया लटा दिती, अपनी डायरी ते लिखिया कि जदों मैं मरांगा मेरे हाथ नंगे रखने हैं, मैं सिर्फ दुनिया नूं दसना कि देखो मैं खाली हथीं चलिया, मैं कुछ लै के नहीं चले, सब कुछ इत्थे रह गया। स्वामी जी महाराज जो बाणी च फरमा रहे ठीक है भाई, जदों असी इत्थों जाना दुनिया तो असी की लै के जाना, सिर्फ एक चीज़ साढ़े साथ जाएगी, नेक पाक जो काम करांगे अच्छे काम करांगे वो साढ़े नाल जाएगा, वो साड़ी एक जायदाद बन जाएगी। बाणी च लिखिया जे मार्ग के गिणे ना कोसा, हर का नाम तेरे संग तोसा। भाई जिस मार्ग तू जाना है वो बहुत लंबा मार्ग है, बहुत लंबा मार्ग है, की खाएगा रस्ते विच, जो ईश्वर की भक्ति करेगा वो तेरी खुराक बन जाएगी, वो ही तेरी खुराक बन जाएगी।
एक चीज़ यही साढ़े साथ जा सकती है कि जेड़ा असी भजन सिमन करना है, साध संगत की सेवा, नेक पाक काम करना, ये साढ़ा साथी है, बाकी कुछ साढ़ा साथ नहीं जाना। तुसी देख रहे हो इत्थे राजे भी जा रहे हैं, अरबापति शाहूकार भी जा रहे हैं, छोटे वड्डे जा रहे हैं, जो जो किसी पास है कोई साथ नहीं ले रहा। नंगा आया नंगा सदासी, दुनिया के जीव नंगा आता है नंगा ही चला जाता है। असी किसी दे लीरा देने तो अपनी शर्म ही उसके शरीर ढकण वास्ते, उन्हों तो कोई जरूरत नहीं। इस वास्ते स्वामी जी महाराज बाणी जी फरमा रहे हैं कि भाई ये सब कुछ तेरा इत्थे ही रह जाना, तेनों कल्यां नू जाना पैना है। हाँ जी, धन संपत तेरे काम ना आवे, छोड़ जो ये छिन में, आगे रहन अंधेरी पारी, काज करो कुछ दिन में। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि अगे समा जड़ा आ रहा वो बड़ा बेहानक आ रहा है, तुसी काज करो कुछ दिन में। काज की करना है असी कि ईश्वर का नाम जपना, सत्संग और सत्संग की सेवा, ये साड़ा असली काम है। और साड़ा कोई काज नहीं, और कोई काम नहीं, और जड़े असी दुनिया के काम आम लोग करते हैं उन्हां दे नाल मुक्ति नहीं हो सकती। जन्म सानू मिल सकते हैं तपो राज राजो नरक, तपस्या कीती राज मिल गया, राज दे विच बेअनसाफ होया नरक मिल गया, की फायदा है उस राज दा। शब्द व्यासी महापुरख जो दुनिया ते आए ने उन्होंने इन चीज़ों नू कैंसल किया है, कहिंदे की लोड़ है तपस्या करन दी, की लोड़ है होर दान पुण करन दी, जे मुड़ के इत्थे ही आउणा ते इत्थे आके धक्के खाने ने की फायदा हैगा। ईश्वर की भगती करो, नाम जपो, पानी नाल जदों पानी मिल जाता है तो एकमेक हो जाता, एकमेक हो जाता, उहदे च कोई फर्क नहीं रहिंदा, आत्मा परमात्मा नाल मिल गई वो भी परमात्मा बन गई, सुखी हो गई, मेशा दा आनंद म्याशा दा सुख मिल जाता है। हाँ जी, रहना अंधेरी पहाड़ी काज करो कुछ दिन में, ये देही फिर हाथ ना आवे, फिरो चौरासी बन में। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि ये देही फिर हाथ नहीं आएगी, तैनों मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, चौरासी बन। बन किसनों कहा जाता कि बहुत बड़े जंगल जड़े होंदे है, जिन्हां जंगलों के विच बंदा चला जाए भुल जाए पता नहीं लगता किधर जाना। एक बार असी यूपी गए, एक बंदे ने दसिया कि साड़ा बंदा जंगल विच बालन लैन वास्ते गया, वो मुड़ के आया नहीं, 10-13 दिन उहदे कर दित्ते असी, उन्हों पता ही नहीं लगा कि मैं किधरों आया तो किधर जाना। 10-12 दिनों के बाद वो घर आया तो असी सोचा कि मर गया, किसी जानवर ने खा दिता। भाई 84 बन है, 84 दे विच जा के फिर वापस आना बड़ा मुश्किल है, वापस नहीं आ सकता। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि ये देही जिहड़ी मनुष्य जन्म मिलिया ये बड़ा तैनू हीरा जन्म मिलिया, ये परमात्मा ने तैनू बहुत कुछ बख्शिश की है,
सारी सोच समझ साइंस सानू बख्शी है। साडा कोई प्रिंसीपल नहीं, असी अपने आप दे प्रिंसीपल आपे हैं। असी आप ही सोच सकते हैं कि असी करना की है ते की असी कर रहे हैं। ये साढ़े अंदर परमात्मा ने वो बड़ी साइंस पाई है। और कोई जोड़ नहीं सोच सकती। कई बार असी सड़क जाते हैं, देखिया सड़कों च पशु एक सड़क च खड़ा होंदा, उन्हों पता ही नहीं कि मैं मरना हैगा, वो सड़क चों बाहर ही नहीं होंदा। अभी कई बार सोचा देखो ये वो साइंस नहीं जिहड़ी बंदे विच है। बंदा तो नहीं खड़ो सकता, वो बड़े आराम नाल गुआली करता तो खड़ो जाता सड़क के विच। कई बार देखिया गड्डी अगे पिछे कर लो, वो हलदा ही नहीं सड़क चों। वो साइंस नहीं जिहड़ी बंदे विच है। इस वास्ते बंदे नूं बहुत बड़ी अथॉरिटी दिती है परमात्मा ने, और इहनूं सोचना चाहीदा कि मैं अपने इस जन्म तो कम लैवां, फिर मुड़ के बारों बार 84 विच ना जावां, 84 दे धक्के ना खावां। 84 बहुत बड़ी है। चौं खाना विच सानूं जाना पैंदा है। चार खाना ने अंडज जेरज सेतज उत्पन्न, ये चार खाना ने। कुछ जीव अंडियां चों पैदा होंदे है, अंडियां चों पैदा होंदे है मुर्गियां सपठूए, ते होर भी कई जीव पैदा होंदे है। कुछ जीव जेरे चों पैदा होंदे है, चूहे साने इंसान ते हवान वगैरह, ते होर भी कई जीव पैदा होंदे है। कुछ जीव जद मौसम दी तब्दीली होंदी है उस वक्त मुड़ के नाल ही पैदा हो जाते हैं। हजारां करोड़ां जीव पैदा हो जाते जिन्हां दी बहुत थोड़ी उम्र होंदी है, हवा नाल ही मर जाते हैं, बदल आउंदे है मर जाते हैं, उन्हां दी रूढ़ां च पानी पै जाता है, बच्चे भी मर जाते, आप भी मर जाते हैं, फिर जन्म लेंदे है। चौथी कलास जिहड़ी है वह बनास्पत, घास फूस सफल सब्जियां फसल और दरख्त वगैरह, इन्हां दे विच असी जाना है। अगर कोई भी खाण सानू चंगी नहीं लगेगी, किसे खाण ने सानू चंगा नहीं, सानू सुख नहीं मिलना, ना सानू पशुआं च मिलना है, ना परिंदियां विच मिलना है, ना दरख्तां विच। दरख्तां दी हालत तुसी देखो की हालत हो रही, बदल पैंदा इन्हां नूं इशनान हो जांदा। असी रोज़ इशनान करते हैं, इन्हां नूं कौन इशनान कराउंदा? वो उपरला ही जरा तरस करता इन्हां दा, ते बदल सुटदा ते इन्हां नूं सारयां नूं इशनान करा दिंदा। ये भी चाहुंदे आ वी साडे उत्ते वी मिट्टी घट्टा जिहड़ा पिया है ये लथ जावे, पर कादे नाल लाउण, किस तरह करन सजा है। कुछ दरख्त ऐसे ने कि जिन्हां दी बहुत संभाल हुंदी है, बागी बूटे जिहड़े हुंदे आ उन्हां ते मन इंसान जिहड़े आ वह नौकर हुंदे आ, उन्हां दी खुराक हर तमां दिंदे आ, और वह छेती दी छेती फल दिंदे आ, उन्हां दा बहुत कदर है। कुछ दरख्त जिहड़े आम उगे हुंदे आ उन्हां नूं कोई पुछदा नहीं। कुछ सड़कां दे किनारे तुसी देखदे हो कि जिन्हां नूं एक सेकंड भी आराम नहीं। कई बार गड्डी विच देखिया एक गड्डी लंघदी है उधर कर देंदी है, दूजी लंघदी उधर कर देंदी, पत्ते झड़ जांदे है, एक दूजे नाल वजदे है, कितना दुख है। बाबे फरीद ने एक घड़ियाल नूं भी, जिस घड़ियाल नूं मार पैंदी सी घड़ी घड़ी, उहदे बारे भी सोचिया। बाबे फरीद ने कहा इस घड़ियाल ने की कम कीता है माड़ा, जिहड़ा अंदर जांदा उही इहनूं तफ्फा मार के जांदा, और जांदे लोक अपने वल वो घड़ियाल बजाउंदे है, पता नहीं उस मिट्टी ने की कर्म कीता हैगा। ये संतां नूं विचार है, सानूं नहीं आउंदी विचार है। ये संत बड़ी डूंगी सोच सोचदे है पे इसने भी कोई कर्म कीता है जिहड़ी इहनूं मार पैंदी है।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੌਰਾਸੀ ਬਨ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਰਿਜਾਓ ਆਓ ਤੁਮ ਇਸ ਢੰਗ ਮੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਰਿਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਜਨ ਸੇਵਨ ਕਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਮੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੂੰ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਕਵੋ ਕਿ 10-20 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ। ਉੱਠੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭੇਜੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਸਭੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਆਪਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਰਿਜਾਓ ਆਓ ਤੁਮ ਇਸ ਢੰਗ ਗੁਰਬਿਨ ਤੇਰਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰ ਬਚਨ ਯੇ ਮਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਲੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੇਕ ਪਾਕ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਿਨ ਤੇਰਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰ ਬਚਨ ਯੇ ਮਨ ਜਗਤ ਜਾਲ ਮੇ ਫਸੋ ਨਾ ਪਾਈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹੋ ਭਜਨ ਮੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੈ,
वो काम नहीं छड़ाउंदे। असी खेतीबाड़ी भी करनी है, दुकानदारी भी करनी है, और नौकरी भी करनी है, मजदूरी भी करनी है। ये किस वास्ते असी करनी है? जिहड़े साडे तत् ने असी उन्हां नूं कायम रखण वास्ते करनी। वो साडे पासों कराउंदे नहीं, ये जाल नहीं है। जाल वो है जिहड़े असी माड़े कर्म करने हैं, गलत कर्म करने हैं, वो साडा जाल बन जांदा है। उहदे विच्चों गुरु साहब जी फरमाउंदे आ कि उहदे च फसो ना, वो जाल ना बनाओ। जाल दे विच फस जाओगे फिर तुसी निकलोगे नहीं। ये जरूर असी अपने तत्तां वास्ते हुण खाणा खांदे आ, मिट्टी नूं मिट्टी चाहीदी है, हवा नूं हवा तत् चाहीदा है, पानी नूं पानी तत् चाहीदा है, अगन नूं अगन तत् चाहीदा है। ये जिहड़ा साडा शरीर है, ये अग मिट्टी हवा पानी दा बनया है। अगर एक तत् भी साडा कमज़ोर हो जाता है तो सारे तत्तां नूं कमजोरी आ जाती, असी बीमार हो जाने। असी डाक्टरां कोल किस वास्ते जाने कि साडा तत् जिहड़ा कमज़ोर होया इहदी खुराक दिओ, इहदी खुराक दिओ तां कि इह तत् कायम हो जाए, तो सारे तत् कायम हो जाते हैं। असी जिहड़ियां दवाइयां खाने उस अपने तत् नूं कायम करन वास्ते, इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि जिहड़े माड़े कर्म करने हैं वो जाल बनता, उस जाल विच्चों निकलना बड़ा औखा है। गुरु साहब जी फरमा रहे कि वो जाल ना बनाओ, ना उस जाल दे विच फसो। कई बार अगे भी ये साखी सुनाई है कि कबूतरां दा डार जा रहा सी जंगल दे विच, किसी शिकारी ने जाल बिछाया सी, उहदे विच थले चोग खिलारी। कबूतरां ने अपने बड़े कबूतर नूं कहा कि असी इत्थे बह जाइए, ये चोग खिल रही है, चोग चुग लईए। उसने कहा ये तुहाडी मौत है, ये चोग नहीं तुहाडी मौत है, इत्थे नहीं बैठना। लेकिन वह आखे नहीं लगे, बह गए। शिकारी ने जाल जिहड़ा सारा थले बिठा दिता, फिर सारे तड़फन लगे। वो जिहड़ा उन्हां दा बड़ा सी कबूतर, उसने कहा कि मैं तुहानूं कहा है कि तुहाडी मौत है, तुसीं मन्ने नहीं, हुण तुहानूं हंडियां 'च चढ़ना पएगा। राधा स्वामी कैद सुनाई नहीं मनो ते भुगतो पाई। स्वामी जी महाराज भी फरमाउंदे है असी ते कह रहे हां तुहानूं कि नेक पाक काम करो, अच्छे काम करो, अगर तुसीं नहीं करदे ते भुगतना तुसीं, असीं थोड़ा भुगतना। जेलखाने 'च तुसीं जाणा, असीं थोड़ा जाणा। लड़का नहीं पढ़ता तो स्कूल दा मास्टर दा की कसूर है, टीचर दा की कसूर है? कई गहती भी तो उस ने फिर सड़क च बाणी है ना, टीचर ने तो नहीं जाना भी है। इस वास्ते सानू वो जाल नहीं बनाना चाहिए, माड़े कर्म नहीं करने। बाकी असी दुनिया के काम करने हैं, ये खेतीबाड़ी भी करनी है, नौकरी भी करनी है, दुकानदारी भी करनी है, हर एक मजदूरी भी करनी है, और करनी तत्तां दे वास्ते। इन्हां नूं खुराक चाहीदी है, अगर नहीं करांगे असी इन्हां दी खुराक कित्थों देंगे? इस वास्ते जिहड़े माड़े कर्म करने हैं वो साडा जाल है, उस जाल नूं ना बनाइए, माड़े कर्म ना करिए। हाँ जी, जग जाल में फसो ना पाई, निस दिन रहो भजन में, साधु गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, साध गुरु का क्या मानो। साध और गुरु इको ही चीज़ है, साधु वखरा नहीं, गुरु वखरा नहीं। जिस तरह बाणी दसिया है, सेवक स्वामी एक मत, जे मत में मत मिल जाए। साध गुरु का क्या मानो और रहो उदास जगत में। भाई इस जगत विच
असी दासी केड़ी फरनी है कि अपने घर जान दी। हमेशा वास्ते असी इस सोच विच रहना कि असी अपने घर चला जाइए, किते पराए घर धक्के ना खाइए, किते चरासी च धक्के ना खाइए। ये साडे विच हमेशा वास्ते अदासी रहनी चाहिए है, सोच रहनी चाहिए है। गुरु नानक देव जी जदों दास रहिंदे सन ते करदियां ने मैते कालू ने एक बैद नूं सद्या कि देखो लड़का चुप चाप रहिंदा दास रहिंदा की बीमारी है इसनूं। जदों उसने बांह फड़ी देखन लगा ते गुरु साहब ने कहा बैदा बांह डटोलिया पहला अपना रोग पछाण। तू मेरी बांह फड़ी मेरा रोग दस रहा, तू जिहड़े तैनू रोग लगा पहले तू अपने रोग का इलाज कर। वो वैद चुप करके चला गया। फकीर जड़े है उन्होंने दासी अपने देश की होंगी है, अपने देश की दासी होंगी है, किसी अपने देश चली है अपने मालिक नाल मिली है, हमेशा वास्ते उस सोच समझ विच रहिंदे है। हाँ जी, साध गुरु का कहना मानो रहो उदास जगत में, छल बल छोड़ो और चतुराई क्यों तुम पढ़ो कुगत में। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल जिहड़ियां साडे विच कमियां ने वो कमियां सानूं दस रहे है कि तेरे विच ये बहुत बड़ियां कमियां ने जिहड़े छल वल तेरे विच है और चतुराई नाल तू कर्म करदा है, इन्हां नूं छड़ दे। तू सतगुर दी अकल नूं लै, तू छल वल छड़ दे, साफ हो के सतगुर दे नाल वरताओ कर। अगर असी साफ हो के दिल वरताओ करिए सतगुर दे नाल तो जल्दी साड़ा काम बन सकता है, जल्दी तो जल्दी साड़े अंदर शब्द प्रगट हो सकता है, क्योंकि असी साफ हो के वरताओ नहीं करते। साड़े विच छल वल ते अकल चतुराई दे नाल असी कई काम जिहड़े गलत करते हैं जिहदे विच सानू थोड़ा जिहा गैप पै जांदा है। जिहड़ा जल्दी साडा काम आउणा उहदे विच ज़्यादा तरीक पै जांदी है, होऊगा जरूर लेकिन सहजे नाल जल्दबाजी नहीं। हाँ जी, छल बल छोड़ो और चतुराई क्यों तुम पढ़ो कुगत में, सिमरन करो गुरु को सेवो चल रहो आज गगन में। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि असी सिमरन करना है और टेक रखनी है मुरशद दी, मुरशद दी टेक रखनी है। असी एदा खुला होना, आम लोग खुला सिमरन कर रहे हैं, हर एक बंदा रब की पूजा कर रहा है, कोई इंसान दुनिया ते नहीं जिहड़ा कुछ कर नहीं रहा, लेकिन निशाना नहीं। जदों निशाना नहीं असी पहुँचांगे कित्थे? राम राम करी जाओ किहदा कर रहे हो, किहड़ा निशाना अगे जिहड़ा असी देख रहे हैं। गवर्नमेंट भी सिपाही नूं जदों पास करदी है तो निशाने ते गोली लगदी है, जदों निशाने ते गोली मारदा हो फिर उन्हों पास कर दे, नहीं तो कई दिन वो कोर्स करता रहिंदा है। इस तरह साडा भी निशाना है सतगुर दा, ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावे सोए। साडा ध्यान पूरा जदों होएगा सतगुर दी तरफ और फौरन साडा काम बनेगा, बहुत जल्द साडा काम बन सकदा है। हाँ जी,
सिमरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में, कल की खबर काल फिर लेगा, वहां तुम जलो अगन में। असी परमात्मा नू भी लारे दे रहे हैं, आज कल कर रहे हैं, पर कबीर साहब ने बाणी च फरमाया है, आज के काल भजूंगा काल के फिर काल, आज काल कर दिया तेरी अवसर जैसी चाल। असी अज भजन नहीं होया तो असी तरीक पा देने जी, कल जरूर करांगे। कल फिर उस तरह आउंदा है, फिर साढ़े को गलती हो जाती है, फिर असी तरीक पाने जी कल करांगे। इस तरह भाई एक एक दिन करके साढ़े दिन लंघ जाते हैं, सानू इतों दुनिया तो जाना पैंदा है, फिर कौन भजन करेगा। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, जल्दी तो जल्दी ये काम जड़ा तेरा करना चाहिदा, क्योंकि इसे काम दे नाल तेरी कल्याण होनी। भजन सेवन बहुत जरूरी है। जिन्हां दा दरबार है बाबा जी दे पास, जड़ा कोई बंदा आउंदा हुंदा सी, उन्हूं सब तो पहला यही कहंदे हुंदे सी भजन कर। सुख सांद यही पुछना भजन कर, भाई करदा है कि जां नहीं करदा, करदा है तो कर। हाँ जी, कल की खबर काल फिर लेगा, वहां तुम जलो अगन में, अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या होए इस पन में। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, अब जल्दी तो जल्दी करो, क्या पता की हो जावे। साडा समा जिहड़ा मनुष्य जन्म दा ये समा नहीं रहेगा, फिर कौन भजन करेगा। जल्दी तो जल्दी जिहड़ा समा मिलिया है इहदा फायदा लेना चाहिए। सानू भजन सिमरन करना चाहिदा, क्योंकि इहदे नाल ही साड़ी कल्याण होएगी, बाकी होर कमां नाल नहीं। जो कुछ भी असीं इत्थे कमाउने आ, इत्थे दी इत्थे रहना, ये साढ़े साथ ते किसे जाना नहीं। ना साढ़े साथ, जिस तरह साईं बुल्ले शाह ने बाणी च फरमाया है, बोलिया ये जो तेरी मासी फूफी तेरे नाल ना कोई जासी, ये सब कजिया तैनों पैसे। बुल्ले शाह ने कहा ये जिहड़ियां तेरियां मासियां फूफियां ने, रिश्तेदार ने, तेरे नाल तो नहीं किसे जाना, ये सारा कजिया मुश्किल जिहड़ी अगे आउणी है वह तैनों आउणी है, वह तैनों मुश्किल आउणी है, इन्हां नूं नहीं आउणी। इस वास्ते जल्दी तो जल्दी तू अपना काम कर ले। हाँ जी, अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या होए इस पन में, यूं समझाए कहें राधा स्वामी, मानो एक बचन में। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि मैं तैनू बड़े तरीके नाल समझा रहा, मेरा एक बचन मान ले। साईं बोले शाह ने कहा, बोलिया ओ बाजी लै गए नहीं कुत्ते, तू सुता ही रह गया, कुत्ते तेरे तू उत्ते, सारी रात मालक दा पहरा देंदे है, वो दर मालक दा नहीं छड़दे, भावें सौ सौ पैण जुत्ते।
तुसी जुतियां भी मारो, जेड़ा कुत्ता घर दा गिजा है वह कभी बाहर नहीं जाएगा, तुसी छित्र भी मारो उसनू पावे। कहंदे वाजी लै गए नहीं कुत्ते तेरे तू उत्ते, तू सुता रहना है वह पहरा देंदा है। बुले शाह ने कुत्ते का भी कदर किया है। स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमारे है कि असी तुहानू समझाया, सब कुछ कह देता है, जल्दी तू जल्दी अपना काम कर लो, भजन सिमन कर लो, यही साड़ी असली जायदाद है, ये साढ़े साथ जाएगी, इसे ने सानू फायदा देना और ऐसे जन्म दे विच असी कर सकते हैं, सानू किसी जन्म की आशा नहीं रखनी चाहिए, अगे पिछे की आशा नहीं रखनी चाहिए, यही जन्म साड़ा हैगा, इहदे बाद सानू की पता सी कर्मां दे अनुसार कित्थे जाना हैगा। हाँ जी, यूं समझाए कहें राधा स्वामी, मानो एक बचन में